नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अशोक एट्यूटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं दसवीं क्लास के स्टूडेंट दसवीं क्लास के बाद कौन से सब्जेक्ट का चुनाव करें, सही सब्जेक्ट लें अपने सुरक्षित और ब्राइट फ्यूचर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यह वीडियो। दोस्तों दसवीं क्लास के स्टूडेंट का दसवीं क्लास का एग्जाम होने के बाद रिजल्ट आते ही उनके माइंड में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होने लगता है, उनको सामने बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है कि आखिर टेंथ क्लास के बाद कौन सा सब्जेक्ट उनके लिए लेना सही रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट रहेगा उनके लिए। ऐसी समस्या के बारे में ही हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों एक्चुअली क्या होता है, जब टेंथ क्लास के स्टूडेंट रहते हैं उनके टेंथ का रिजल्ट आते ही यदि उनके टेंथ क्लास में सबसे अधिक नंबर आते हैं तो उनके माइंड सेट हो जाता है कि हमको मैथ लेना है, यानी कि साइंस सब्जेक्ट लेना है, और मैथ सब्जेक्ट साइंस सब्जेक्ट वो ले डालते हैं। और दूसरा यदि एवरेज मार्क्स आते हैं टेंथ क्लास में तो फिर उनका माइंड सेट हो जाता है हमको कॉमर्स सब्जेक्ट लेना है, और यदि फिर कम मार्क्स आते हैं तो फिर उनका माइंड सेट होता है कि हमको आर्ट सब्जेक्ट लेना होगा। दोस्तों ये इस तरह का डिसीजन लेना एक सही डिसीजन नहीं है। हमारे टेंथ क्लास के बाद जो सब्जेक्ट का सिलेक्शन होता है वो मार्क्स के ऊपर सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। यह डिपेंड करता है हमारी चॉइस पर, हमारी किस सब्जेक्ट में रुचि है, हमको क्या पढ़ना अच्छा लगता है, हमारी हमको कौन सी फील्ड अच्छी लगती है, किस फील्ड में हम जाना चाहते हैं, हमको उसी फील्ड का सब्जेक्ट हमारे लिए लेना बेस्ट रहता है और वही सब्जेक्ट में हम ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं। जैसा कि मान लें जिस स्टूडेंट्स के मैथ लेना है, जिसको ज़्यादा नंबर आए उसने मैथ सब्जेक्ट ले लिया है, और जिसके कम आए उसने यदि आर्ट सब्जेक्ट ले लिया है, तो ऐसा कई बार होता है कि एक बार मैथ साइंस सब्जेक्ट का स्टूडेंट भी पीछे रह जाता है और कम मार्क्स सब्जेक्ट का जो आर्ट्स स्टूडेंट रहता है वह भी आगे निकल जाता है। या कई बार ऐसा होता है आर्ट्स स्टूडेंट जब मैथ साइंस लेता है तो वह आगे निकल सकता है, और ज़्यादा मार्क्स वाला स्टूडेंट जो रहता है वह यदि आर्ट्स सब्जेक्ट लेता है तो वह भी अपना आगे निकल जाता है। तो दोस्तों ऐसे में आपको विवेक के द्वारा अपना माइंड यूज करके आपको सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना बेस्ट रहेगा। आपकी चॉइस, आपको अच्छा क्या लगता है, आपका क्या मन करता है, आप किस फील्ड में अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, आपकी क्वालिटीज क्या है, वो अपने आप को पहचान कर अपने आप को देख परख कर सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना चाहिए। फिर भी हम आपको बता देते हैं यदि आप टेंथ क्लास के बाद यदि साइंस सब्जेक्ट लेते हैं यानी कि मैथ और साइंस लेते हैं तो आपको इस फील्ड में क्या जॉब अपॉर्चुनिटी, आपका फील्ड कैसा रहेगा। दोस्तों जो लोग मैथ सब्जेक्ट लेते हैं मैथ्स के साथ आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और हिंदी इंग्लिश ऐसे करके पांच सब्जेक्ट पढ़ना होता है। इसके बाद आप इलेवन ट्वेल्थ करते हैं, ट्वेल्थ के बाद आपको इंजीनियरिंग फील्ड इसके लिए बेस्ट फील्ड रहती है। आप बीएससी भी कर सकते हैं मैथ सब्जेक्ट साथ, लेकिन यदि आप बीटेक और इंजीनियरिंग कर लेते हैं बी कर लेते हैं तो आप फिर इंडस्ट्रियल में प्राइवेट गवर्नमेंट सभी सेक्टर्स में आप इंजीनियरिंग का जॉब कर सकते हैं, अच्छे लेवल के जॉब इसमें उपलब्ध रहते हैं। और इसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप जा सकते हैं, ग्रेजुएशन भी के द्वारा जो जॉब्स मिलते हैं वो भी इस फील्ड के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप साइंस सब्जेक्ट लेते हैं ट्वेल्थ के बाद तो साइंस के साथ आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और हिंदी इंग्लिश ऐसे करके आपको साइंस के साथ साथ पांच सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है। यदि आप 11, 12 साइंस सब्जेक्ट साथ करते हैं तो फिर आप मेडिकल फील्ड आपके लिए बेस्ट रहता है, मेडिकल फील्ड में आप जाते हैं तो आप अपना ब्राइट फ्यूचर इस फील्ड में बना सकते हैं। जो कॉमर्स स्टूडेंट रहते हैं वो ट्वेल्थ के बाद कॉमर्स लेते हैं तो उनका बैंकिंग सेक्टर अच्छा है, 11, 12 के बाद बैंकिंग सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं, आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, कॉमर्स कर सकते हैं, एमकॉम कर सकते हैं, इसके बाद आप सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट रहते हैं उसमें आप जॉब कर सकते हैं, लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं, वकील बन सकते हैं, आप कई सारे आपके लिए भी जॉब के अपॉर्चुनिटीज में रहती है। और जो आर्ट्स के स्टूडेंट रहते हैं जिन लोगों का इंटरेस्ट हिस्ट्री में रहता है, इतिहास में रहता है, राजनीति में रहता है, भूगोल में रहता है, अर्थशास्त्र में रहता है, वो स्टूडेंट्स आर्ट्स सब्जेक्ट चुने और उसके बाद भी आप कई सारी फील्ड्स आपके लिए भी खुली हुई रहती हैं, उनमें आप अपना ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटी समरी हमने देने का प्रयास किया, आप अपनी टेंथ क्लास के बाद कौन से सब्जेक्ट चुन सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट का चुनाव करें, मार्क्स ना देखें। ज्यादा मार्क्स आए तो आप ऐसा ना कहेंगे मैथ लूंगा, कम मार्क्स आए ऐसा ना बोलें सोचें कि मैं आर्ट्स ही लूंगा या कॉमर्स ही लूंगा। आपको जो अच्छा लगता है, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड का सब्जेक्ट चॉइस करें और अपना ब्राइट फ्यूचर बनाएं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यह इन्फॉर्मेशन कि दसवीं की क्लास के बाद आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना बेस्ट रहेगा, आपको यह वीडियो बताई जो बनाई है हमें बताई है इसमें आपको अच्छी लगेगी, आपकी हेल्प करेगी ये वीडियो। यदि आपकी कुछ भी हेल्प हो जाए इस वीडियो के माध्यम से तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनको बताएं इस वीडियो के बारे में। और इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो की जानकारी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।